खुशामदीद। SKM 91 न्यूज पर आप तमाम व्यूवर्स का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। PVNR एक्सप्रेस वे पिल्लर नंबर 93 की गली में एक बर्खी का तार लगने से लड़की हुई जख्मी। बताया गया है कि एक बर्खी का तार लटक रहा था जिसमें करंट मौजूद था। एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल बताई गई है वहां से गुजर रही थी। लाइट का मुनासिब इंतजाम भी उस गली में नहीं था। ये मुस्कुरा लड़की उस बर्खी तार की जद में आ गई और मौके पर ही गिर पड़ी। अतला के साथ ही कौसर मोहीउद्दीन कारवान MLA और मुकामी लीडर मुजम्मिल ने मुतहरिक होते हुए पुलिस को तलब किया और मुतासरा लड़की को अनकुरा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुतासरा लड़की जेर इलाज है। डॉक्टर्स ने बताया कि फिलहाल लड़की की कंडीशन सीरियस है। ये खुले आम महकमे बरखी की लापरवाही का मुजाहरा है जिससे आज एक लड़की की जिंदगी और मौत के बीच में है। लिहाजा हमारी अदबन गुजारिश है कि ऐसे लापरवाह जिम्मेदारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आइए देखते हैं इस खसूस में कुछ तफसील हमारे नुमाइंदे जाशिम जाबरी की ये खास रिपोर्ट में। SKM 91 न्यूज़ के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ आ रहे हैं और खास खबर के लिए हमारे न्यूज़ चैनल SKM 91 न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम। जनाब कौसर मोहीउद्दीन साहब की हिदायत पर अभी थोड़ी देर पहले मेरे को इत्तला मिली, एक बच्ची को शॉट लग गया, 10 साल की बच्ची को शॉट लग गया, बल्कि यहाँ छिल्ला पीटी के पास पिल्लर नंबर 93 की गली में। MLA साहब का फ़ोन आया था कि मैं मौके पर पहुँच के AE को फ़ोन करके काम करा दिया। तमाम आवाम से गुजारिश है, बारिश का मौसम है, अपना अपने एहतियात करिए, अपने अपने घरों में रहिए भाई। जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।